कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौका है दिल्ली में डीएमके पार्टी दफ्तर के उद्घाटन का और इस मौके पर बहुत ही बड़ा राजनीतिक जमावड़ा देखने को मिला है। डीएमके पार्टी दफ्तर के उद्घाटन पर न सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पहुंची बल्कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई महासचिव डी राजा, फारूक अब्दुल्ला, इसके अलावा अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर, तमाम बड़े चेहरे राजनीति के इस मौके पर यहां जमा हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली में नई दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित डीएमके दफ्तर है। खूबसूरत ये भवन बनाया गया है पारंपरिक अंदाज में और उसी के उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पहुंची थी जो अब निकल रही हैं। सोनिया गांधी का स्वागत करने के लिए खुद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आए थे बाहर तक और फिर उन्हें छोड़ने भी आए। हालांकि सोनिया के साथ गांधी परिवार का कोई और नेता मसलन राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जो है वो नहीं आए। एक बार हम आपको दफ्तर जो डीएमके दफ्तर है उसका नजारा दिखाते हैं, उसकी तस्वीर दिखाते हैं पारंपरिक अंदाज में जो शैली है तमिलनाडु में भवनों की उस शैली में ये दफ्तर बनाया गया है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर। ये सड़क राजनीतिक तौर पर बेहद अहम सड़क है, इसी सड़क पर बीजेपी का दफ्तर है, इसी सड़क पर कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बनकर तैयार हुआ है, अभी कांग्रेस उसमें शिफ्ट होगी, आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, आरजेडी का दफ्तर है और अब इस मार्ग पर डीएमके का दफ्तर भी बन गया है। दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर जिस तरह बड़े नेता जमा हुए उससे साफ है कि डीएमके आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति में अपने दखल को बढ़ाना चाहती है। हालांकि इस मौके पर नेता बड़े जमा हुए लेकिन कार्यक्रम उद्घाटन तक ही सीमित रहा, किसी भी नेता ने किसी भी तरह का कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया। दिलचस्प ये देखना रहा कि यूपीए के पुराने सहयोगियों वामपंथी दलों के अलावा अकाली दल जो अब एनडीए से बाहर हो चुका है, बीजेपी के साथ नहीं है, एनडीए की नेता हरसिमरत कौर बादल भी डीएमके दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर पहुंची थी। तो क्या आगे डीएमके की भूमिका रहेगी राष्ट्रीय राजनीति में, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर स्टालिन जो है वो लगातार डीएमके को मजबूत करने में जुटे हैं। जहां उन्होंने एक तरफ 10 सालों बाद सत्ता में वापसी की राज्य के अंदर, तो वहीं दिल्ली में पार्टी की धमक अब जो है उनकी मजबूत करने के लिए न सिर्फ दफ्तर का उद्घाटन किया है, दफ्तर बनाया है एक बहुत ही शानदार, बल्कि उद्घाटन के मौके पर तमाम आला नेताओं को इकट्ठा करके एक राजनीतिक संदेश देने में भी कामयाबी हासिल की है। कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज दिल्ली।